बॉर्डर क्रॉस करना है, वो अलग बॉर्डर है, वो अलग बॉर्डर है। सो अभी यहाँ पे तो देखो कोई है नहीं बस, बट फाइनली सीट मिल गई है और लोकल टैक्सी वगैरह पकड़ते हैं उसी में जाएंगे। मतलब चार यहाँ पे, चार मेरे सामने और एक ड्राइवर को मिला के तीन सामने, और डिस्को लाइट लगा रखी है भाई ने, पूरा डिस्को लाइट ये बना रखा है। हाँ जी, मैं क्या बल्ले बल्ले आ जाओ सारे, करिए शुरुआत व्लॉग दिया, शाम वाले व्लॉग दिए। एक्चुअली टाइम हो चुका है 5:10 हो चुके हैं और अभी हम निकल गए हैं, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम हम जाएंगे शाम के टाइम भी, तो कैसे क्या कुछ रहता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जल्दी निकले हैं ऑफिस से, ताकि हमारा जो भी है लाइक टाइम वगैरह एक बार पता लग जाए। और अगर मैं लोकेशन की बात दिखाऊँ, मतलब कैसे क्या कुछ है, तो ये है लोकेशन, ठीक है। सो चलते हैं अभी। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर जिस तरह आप क्रॉस वगैरह कर रहे हैं, इस टाइप से क्रॉसिंग है और काफ़ी ब्रॉड नहीं है रोड, सो ऑपोजिट साइड से आप क्रॉस कीजिए ताकि आपको दिखता रहे आगे वाली साइड से, मतलब जो भी ट्रैफिक आ रहा है, ताकि इनके कुछ ऊपर नीचे हो तो आपके पास टाइम मिल जाए थोड़ा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का। और क्योंकि पीछे वाली साइड से तो आप देख नहीं पाएंगे, पीछे तो है नहीं आपकी आँखें, अगर पीछे आँखें हैं तो फिर बात अलग है भैया। अब एक्चुअली यहाँ पे ही हम सुबह उतरे थे और यहाँ पे ही बसेस वगैरह आती हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम उसके ऊपर चढ़ के और सीधा चले जाएंगे, और अभी बस वेट कर रहे हैं। वैसे तो दो दो तीन तीन मिनट के गैप के बीच में आ जाती हैं बसेस, अभी वो वेट करते हैं। वही 10 रुपये किराया लगेगा यहाँ से बद्दी बस स्टैंड तक का, जिस तरह अभी सामने आके बस रुकी है सेम वैसे ही हम सुबह उतरे थे। फाइनली सीट मिल गई है और आखिर में मिली है सीट अपने को, और लोकल बस है ये, लोकल बस अपने को बद्दी तक लेके जाएगी। बैग अपना साथ में रखा हुआ है, काम धाम शोर बहुत है पीछे, खिड़कियाँ वड़कियाँ सारी हिल रही हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। हेलो देख रहे हैं। सो अभी यहाँ पे तो देखो कोई है नहीं बस, बट फ्रॉम पिंजौर आई कैन ईजिली गेट इट, तो अभी पिंजौर साइड निकलते हैं, वहाँ से काफ़ी बसेज वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पे तो कोई है नहीं, यहाँ पे मैं चेकआउट कर रहा था, बट ये चंडीगढ़ है वो वीआर सिसवान रोड से जाएगी, बट सिसवान रोड से हमारे को जो जाने का फ़ायदा नहीं है कोई, मनीमाजरा हाउसिंग बोर्ड लाइट में उतरना है। सो अब मेन रोड पे खड़े होते हैं और वहाँ से हम बस पकड़ेंगे, कौन सी, पिंजौर वाली, पिंजौर की लाइट्स पे उतर जाएंगे हम, जो मैंने सुबह लाइट वो चौराहा दिखाया था जहाँ पे एक साइड जा रहा था कालका और एक साइड पिंजौर और बद्दी, ठीक है। सो उस वाले रोड पे चढ़ते हैं और बस वहाँ से फिर बस मिल जाएंगी वहाँ से। सो अभी एक और चीज़ का लाइक पता लगा है, वो चीज़ क्या है कि प्राइवेट जो बसेज हैं, प्राइवेट बसेज नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना वो अलग बॉर्डर है, वो अलग बॉर्डर है। सो सरकारी बस देखते हैं अब कब आती है कब नहीं, टाइमिंग का कुछ पता नहीं है, देखते हैं बाकी, नहीं तो अल्टीमेटली क्या प्राइवेट जो व्हीकल्स होते हैं वो भी जा सकते हैं वहाँ पे, तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, बट वो कॉस्टली रहते हैं। टाइम हो चुका है 5:47, हम तकरीबन निकले थे ऑफिस से 5:10 पे, मतलब आप ही लगा था मोटा मोटा 37 मिनट हो गया और मैं 5-6 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया था, तो यहाँ पे अब देखते हैं कुछ करते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं लोकल टैक्सी वगैरह पकड़ते हैं उसी में जाएंगे, देखते हैं वो भी कितना क्या कुछ लेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं बद्दी बस स्टैंड के वहाँ पे लाइट पॉइंट्स हैं, और लाइट पॉइंट के वहाँ से मिल जाएंगे अपने को प्राइवेट कैब, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे टाइम वेस्ट काफ़ी हो चुका है, 20-25 मिनट हो चुके हैं वेस्ट, सो और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अंधेरा भी होता जा रहा है, ठंड भी बढ़ जाएगी। सो अपना घर पर पहुँचो, देखते हैं कितने आना, तो देखो आना तो कन्वीनियंट है, जाने में लाइक थोड़ी सी हैक्टिक है, बट वो भी चलो चीज़ें पता लग जाएंगी। ये भी टाइम हो गया है 6, कुछ चॉकलेट वॉकलेट खाना, टाइम पास कर लेते हैं। तो करंटली अभी बैठे हैं हम व्हीकल है उसमें बैठे हैं, एंड चार पीछे, मतलब चार यहाँ पे, चार मेरे सामने और एक ड्राइवर को मिला के तीन सामने, बैग वगैरह पीछे डाल दिए हैं, और बस वगैरह कुछ मिली नहीं। देखो ये है करंटली, ऑफ कर देता हूँ, कहीं ना कहीं इरीटेशन कर रही है लाइट सबको। टाइम हो गया 6:55 और उतर गए हम पिंजौर वाला जो है, इधर बेसिकली इस साइड पिंजौर जाएगा, उधर चंडीगढ़ मणिमाजरा और इधर बद्दी साइड हो जाता है, तो यहाँ पे उतर गए हैं। अब यहाँ से हमने को रोड क्रॉस करके उधर से फिर अपने को सीधा पकड़नी है, और भाई मिल गए थे भाई, क्या एक अंकल बैठा था, भैया कान खा गया, क्रिकेटर को कोई एक्सीडेंट हो गया था, पता नहीं कौन सा क्रिकेटर था, उसी का ग्राहक गई जा रहा था, कसम से कान खा गया मेरे को। हाँ एक चीज़ तो मैं बतानी भूल गया, एक्चुअली वहाँ से अपने को लगा 30 रुपये,
बद्दी बस स्टैंड से पिंजौर तक के, और यहाँ से मैंने ऑटो वाले से पूछा तो वो बोल रहे 300 रुपये बद्दी ये वाला, मतलब ये पिंजौर से लेके और जो अपना वो है मनी माजरा जा रहा ना, मनी माजरा के 30 रुपये ऑटो पे, पर ऑटो में ठंडी बढ़े लगी है, देख रहे हैं कुछ और। अभी लाइक क्या था, मैं तो यूँ लगा लिया, इससे क्या है ठंडी वंडी थोड़ी कम लगी और सारी चीज़ें गर्म गर्म रही। अभी देखते हैं बस वगैरह कुछ मिलती है तो पकड़ लेंगे, हथिया लेंगे जो भी मिला। उसका तो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, सो अभी ऑटो में ही बैठ गए हैं। 30 रुपीज़ सवारी है, ये हाउसिंग बोर्ड जो उतार देगी और वहाँ से फिर हम पैदल पदयात्रा पर जाएंगे अपने घर की तरफ। तो अभी बेसिकली ये है, और डिस्को लाइट लगा रखी है भाई ने, पूरा डिस्को लाइट ये बना रखा है। ठीक है, आराम से बैठो चलो। टाइम की अगर मैं बात करूँ, टाइम हो गए 7:14, और देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगेगा जाने में। इसका मेरे भाई फायदा बड़ा है जो आपने ये लगा रखा ना दोनों साइड से। हाँ अरे ठंड बड़ा, मैं तो वही देख रहा था, मैं क्या कोई ऑटो वगैरह मिल जाए जिसमें लगाओ, नहीं तो काफी ना ऑटो वगैरह निकले मैं बैठा नहीं, तो ये सही चीज है यार, इसमें ना ठंडी वगैरह बच जाता है। भैया ने बड़ा सही लगा रखा है ये वाला। तकरीबन अपने को निकले हुए लाइक 2 घंटे तो हो गए हैं, 5:10 पे हम निकले थे और 7:17 हो चुके हैं। तो वही है, मैं वेट काफ़ी किया, तो अगर वेट ना करता तो शायद फटाफट सारी चीज़ें मिलती जाती। तो नेक्स्ट टाइम से अपने को लाइक वेट नहीं करना है, फटाफट भी है तो मूव ऑन, जो मिले तो मिले, नहीं मिले तो दूसरी चीज़ पकड़ के फटाफट निकलो। अब एक्चुअली क्या, हम फिर से वही पे पहुँचने वाले जो हिमालयन एक्सप्रेस हाईवे है। यहाँ पे एक्चुअली पीछे वाली से आवाज़ बड़ा आ रहा होगा आपको ऑटो का, ठीक है, और मैंने मुंह पे वो लगा लिया कपड़ा वगैरह जो मेरा वो है, गले में पट्टा डाला हुआ ना वो, ताकि ठंडी वंडी ना लगे। टाइम हो गया 7:30 और 7:30 पे हमने ये रोड, मतलब ये वाला जो हिमालयन टोल है ये हमने क्रॉस कर लिया, ये रहा फोकस हो जाए भाई। ओके, तो ये हमने क्रॉस यहाँ पे कर लिया है। तो एक्चुअली घर से भी फोन आ गया है, तो मैंने बोला कि अभी टाइम थोड़ा लगेगा, 10 सेकेंड लगेंगे मेरे को आने में, जैसे जैसे आएगा आगे लग गई। टाइम हो चुका है 7:46 और तकरीबन 7:20 के आसपास हम वहाँ से निकले, 7:17 के आसपास निकले थे वहाँ से। सो तकरीबन 20 मिनट्स अपने को लगेंगे यहाँ से, आप 5 मिनट और लगा के चलो, हम सीधा पहुँच जाएंगे अपना मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नहीं हाउसिंग बोर्ड लाइक, मैं पता नहीं यार नाम ही भूल जाता हूँ मैं। टाइम हो गया है 7:54 और 8 बजे, मतलब आप लगा 5-7 तकरीबन 3 घंटे में 10 मिनट कम, ठीक है, 5:10 पे हम निकले थे, तकरीबन इतना टाइम अपने को लग गया। और यहाँ से पापा आ गए थे एक्चुअली, सो वहाँ पे अभी जाएंगे हम और बैठ के घर निकलेंगे। आज कृष्णा भाई के पास भी जाना है क्योंकि दाढ़ी वाड़ी थोड़ी सेट करवा लेते हैं, वो भी बड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, फ़ोन करते हैं कृष्णा भाई को पहले। सो कृष्णा भाई को तो किया फ़ोन बट वो आज एंगेज हैं, सो वो वाली चीज़ तो हम नहीं कर पाएंगे, सो अभी बस घर ही निकलेंगे सीधा। अभी अपना फिर सफ़र आज का ख़त्म हो गया है और कल भी हम यही वाला रूट अख्तियार करेंगे और देखते हैं कब तक मज़ा आता है, ठीक है, सर्दी में भी जर्दी में। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है व्लॉग या वीडियो या इन्फॉर्मेटिव लग रही है चीज़, तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में, जिसको भी लाइक जाना है, चंडीगढ़ से जाना है या मनी माजरा से जाना है या मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से बद्दी जाना, नालागढ़ जाना, सो वो वाली ये चीज़ अख्तियार कर सके और वो जा सकता है इजीली, ठीक है। लाइक मैंने आना जाना दोनों चीज़ें बताई, कितना फेयर लगा, ऑटो वालों ने भी, ऑटो वाले भाई ने भी मेरे से 30 रुपये फेयर लिया, वो शायद मैंने बताया नहीं बताया, मैंने दोबारा बता दिया, ठीक है। तो मेरे जाने वाला लाइक 52 रुपये में मैं गया मनी माजरा से बद्दी, अपना नालागढ़ लगा लो, नालागढ़ से पहले लगा लो, ठीक है। और मेरा आते हुए लाइक 70 रुपीज़ मेरे तकरीबन लगे, ठीक है, वापस आते हुए बद्दी से 5 किलोमीटर पहले, फिर बद्दी, उसके बाद फिर आगे यहाँ पे मनी माजरा। तो ये है बेसिकली मोटा मोटा हिसाब किताब। इफ यू आर रियली एंजॉयिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस, अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियोस, लाइक इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूँ, सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू डैड चंडीगढ़ गाए चैनल, जो डैड चंडीगढ़ गाए चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के बीच में, एकदम से मस्त करेंगे जो भी करेंगे, दिन हो या रात हो, पार्टी करने का लाइक इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि हम किसी वीडियो के उसमें नहीं जाएंगे, हम खुद ही क्रिएट करेंगे अपना, खुद जो भी पैकेज वगैरह है वो सारा कुछ हम खुद ही करेंगे, एकदम मस्त करेंगे। डैड चंडीगढ़ गाय को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा लो, लाइक भी करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए।